नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। हर व्यक्ति के लिए घर बनवाना सबसे बड़ा और परम सुखदायी कार्य होता है। हर मनुष्य अपने घर को वास्तु के अनुसार बनाना और सजाना चाहता है। वास्तु शास्त्र का हिंदू मान्यता के बहुत महत्व है। लोग अपने घर में वास्तु के अनुसार तमाम तरह के परिवर्तन करते रहते हैं। चीजें सुव्यवस्थित हो और उचित स्थान पर रखी हो, इसके लिए भी वास्तु शास्त्र की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। गर्मी के दिनों में लोग अपने घर में मिट्टी के बने हुए बर्तन, घड़े, सुराही में पानी भरकर रख देते हैं। वे पानी से भरे बर्तन को किस जगह पर और कहाँ रखें जिससे उस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, यह जानने के लिए वास्तुशास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए जाने इस विषय पर वास्तुशास्त्र क्या कहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मिट्टी से बने हुए घड़े या सुराही में पानी भरकर घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि पात्र पानी से सदैव भरा रहे, वह खाली कदापि न रहे। जैसे ही सुराही या घड़े का पानी कम हो, उसे पर्याप्त मात्रा में पानी भर दिया जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में देवी देवताओं का पास होता है, इसलिए जल से भरे हुए घड़े या सुराही को उत्तर दिशा में रखने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वह घर सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। माता लक्ष्मी का वास होने की वजह से घर में पैसे की तंगी नहीं होती है। इससे ग्रह कलेश की संभावना भी कम हो जाती है क्योंकि सारे कार्य सुगमता से संपन्न होते रहते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है, लोगों में सामंजस्य भी बना रहता है। सभी को वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर में चीजों को व्यवस्थित करने के रखना चाहिए। इससे ग्रह कलेश नहीं होता है और सुख समृद्धि। वास्तु के अनुसार रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के दीपक जलाने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, परिवार में एकता रहती है, धन वैभव और संपन्नता आती है। वास्तु के अनुसार इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।